स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट किए थे। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, जनरली वो तीन टाइप में अपना शेयर इशू करता है। मैं जनरली आपको सब बताया था, वो जो तीन प्राइस में होता है, वन इज इशुएट पार, इशुएट डिस्काउंट, इशुएट प्रीमियम। ओके, तो हम लोग इशुएट पार का सब कुछ जर्नल एंट्री किए थे, उसका एक प्रॉब्लम किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम पे आपके प्रॉब्लम करेंगे, डिस्काउंट का प्रॉब्लम करेंगे। ओके, मैंने आपको डिस्काउंट का कंडीशन भी लिखवा दिया था, कंडीशंस पर प्रीमियम में लिखवा दिया था। आज लोग हम डायरेक्टली प्रॉब्लम शुरू करते। देखो, सीड्स इशूड एट प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम? फर्स्ट पॉइंट, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करवा लेते हैं क्या है प्रीमियम। सिंपल सा चीज बोल रहा है, वन इज फेस वैल्यू, सेकंड वन इज इश्यूड वैल्यू। इफ इश्यूड वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, देन इट इज नोन एज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ओके, समझ में आ रहा है? जब भी मेरा इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, सोच लो मेरा इश्यू प्राइस 12 रुपीज है, मेरा फेस वैल्यू 10 रुपया है। मतलब जैसा मेरा मैंने बताया था आप लोग को, दिस वन इज योर प्रोस्पेक्टस। आई एम सेइंग दैट आई एम इशूड 1000 शेयर्स हुज फेस वैल्यू इज रुपीज 10 एंड इश्यू प्राइस इज रुपीज 12। सिंपल सा मीनिंग है, मेरा फेस वैल्यू रुपीज 10 है, इश्यू प्राइस रुपीज 12 है, दोनों का डिफरेंस जो 2 रुपया मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम। एंड इन केस वेयर इश्यूड प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, देन इट इज नोन एज इश्यूड प्रीमियम। तो प्रीमियम हमको क्या बोलना पड़ेगा? सिंपल सा पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन इश्यूड प्राइस एंड फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रीमियम अमाउंट। तुम बोलोगे सर ये जो फेस वैल्यू का प्रीमियम आया उसको हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले बताया था टू टर्म्स, वन इज रिजर्व कैपिटल, नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिजर्व। दिस प्रीमियम फ्रीज मस्ट बी कम टू कैपिटल रिजर्व। द प्रीमियम अमाउंट, द प्रीमियम अमाउंट मस्ट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। मतलब वो जो प्रीमियम पैसा है वो किधर ट्रांसफर होगा? प्रीमियम ऑन शेयर ऑफ इश्यू अकाउंट को ट्रांसफर होगा, फिर कंबाइन होके कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर होगा। मैंने पहले आपको 2 वर्ड बताया था, वन इज रिजर्व कैपिटल, सेकंड वन इज कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल इज द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ मनी विच इज कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जो पैसा कंपनी का एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन हम लोग मांगेंगे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिजर्व कैपिटल। दिस प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फटाफट नोट आउट करवाओ। ओके, चलो हम लोग एंट्री देखते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया All entry must be divided into 3 types. One is fee or application. Second one is allotment. Third one is most important call money. तो हम लोग फटाफट देखते हैं। First one क्या है रे? Application. Next one is allotment. Next one is कॉल मनी। पहले तीन हेडिंग बताओ, वन इज एप्लीकेशन, नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट, थर्ड वन इज कॉल मनी।
ओके मैंने आप लोग को पहला चीज बताया था, ऑलवेज इन केस ऑफ एप्लीकेशन एंट्री बैंक अकाउंट और एंट्री अकाउंट और रिसीव अकाउंट मस्ट बी इन फर्स्ट, आफ्टर दैट ड्यू एंट्री विल बी डन, बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी फर्स्ट ड्यू एंट्री विल बी डन, आफ्टर दैट रिसीव एंट्री विल बी डन. सो इन केस ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट वन इज योर रिसीव ऑफ मनी, सिंपल सा चीज हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. क्या बोल रहा है ये, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये क्या आएगा एप्लीकेशन मनी. नीचे क्या लिखोगे नरेशन, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन सम अमाउंट ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीस इच. क्लियर, समझ में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तुम बोलोगे सर पार्क का तो जो एंट्री था प्रीमियम का वही एंट्री आ गया, एंट्री हमेशा ड्यू में डिफर होगा. जैसे मैं बता रहा हूं देखो ये मेरा पार में भी यही एंट्री था, पर अभी जब प्रीमियम आएगा मुझे सिंपल सा चीज करना पड़ेगा. जैसे देखो हमारा ऐसा होता है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, जैसे सोच लो मैंने आपको बताया था इश्यू प्राइस मेरा 12 है पर मेरा जो फेस वैल्यू है रुपीज 10, ये हो गया इश्यू प्राइस. दिस 12 कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, वन इज फेस वैल्यू, सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रीमियम. सेम थिंग द फेस वैल्यू मनी मस्ट बी ट्रांसफर्ड, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. क्या बोल रहा है थोड़ा अच्छे से देखो, ये सिंपल से चीज बोल रहा है कि भाई मेरा शेयर का फेस वैल्यू रुपीज 10 था, क्लियर, मैं शेयर को 12 रुपीज में इश्यू कर रहा हूं. सो दैट 12 इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज शेयर वैल्यू प्राइस और फेस वैल्यू, सेकंड वन इज प्रीमियम प्राइस और प्रीमियम अमाउंट. द शेयर फेस वैल्यू प्राइस मस्ट बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द रुपीज 2 मस्ट बी ट्रांसफर टू शेयर प्रीमियम अकाउंट और शेयर प्रीमियम और कैपिटल प्रीमियम अकाउंट. क्लियर, समझ में आ रहा है. सेम चीज मैं जो इधर बैंक में रिसीव किया कितना अमाउंट रिसीव किया, 12 अमाउंट रिसीव किया, दिस शेयर एप्लीकेशन में जो 12 होगा 10 किधर जाएगा, शेयर कैपिटल, 2 किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. क्लियर, समझ में आया. तो उसका एंट्री करवाओ, ये हो गया पहला एंट्री, ये हो गया दूसरा एंट्री. ओके क्या करना है, पहले शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरा अभी क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करवाओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ओके यहां अगर मेरा कितना था रे, बैंक अकाउंट में सोच लो मुझे कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, 12 ट्रांसफर हुआ है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कितना होगा, 12 होगा, एक शेयर के लिए मुझे 12 रुपया मिल रहा है. तो इधर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 12 क्रेडिट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में वही 12 मेरा क्या होगा, डेबिट होगा. फिर टू शेयर कैपिटल को कितना जाएगा, 10 जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को कितना जाएगा, 2 जाएगा. क्लियर, समझ में आ गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं. देखो जैसे एप्लीकेशन स्टेज में ये मेरा प्रीमियम अमाउंट सेट हो रहा है, पर सो मेनी केसेस और 99.9% केस में क्या होता है, जनरली ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एप्लीकेशन स्टेज में नहीं होता है, अलॉटमेंट स्टेज में होता है. फिर से बोल रहा हूं, इन केस ऑफ शेयर इश्यू डेट प्रीमियम द प्रीमियम अमाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन स्टेज बट ऑलवेज रिसीव्ड इन अलॉटमेंट स्टेज इन 99% केस. वही अगर आपका ये थोड़ा अच्छे से सुनो, अगर ये 10 अमाउंट था, ये 10 सोच लो मैं काम करता हूं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं आप लोग को, देखो सोच लो मेरा ये जो टोटल अमाउंट है 10 का शेयर प्राइस था, मैंने क्या किया तीन स्टेज में कन्वर्ट करवाया, वन इज एट एप्लीकेशन 4, सेकंड वन इज 3, ये हो गया
फोर प्लस थ्री सेवन, ये भी फाइव कर लो, फोर प्लस फाइव ये हो गया नाइन, हो गया टू, ट्वेल्व ये हो गया थ्री। सिंपल समझ, ये बोल रहा है मेरा जो फोर एप्लीकेशन स्टेज में था, ये जो फाइव अलॉटमेंट स्टेज में है वो थ्री प्लस टू है, मतलब थ्री अलॉटमेंट के लिए है, टू प्रीमियम के लिए है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर वो एप्लीकेशन स्टेज ये जो फोर है, अगर टू प्लस टू दिया होता, मैं एप्लीकेशन में टू सिक्योरिटी प्रीमियम डालता। अगर ये कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब फाइव इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, वन इज ऑफ थ्री एंड सेकेंड वन इज ऑफ टू। अगर ये सिंपल सा मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये बता रहा है अगर मेरा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो अलॉटमेंट का सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, एक शेयर का जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, उसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कराएंगे, ना कि एप्लीकेशन में एडजस्ट कराएंगे। फिर से बोल रहा हूं, ये सिंपल सा चीज बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द एडिशनल मनी और प्रीमियम मनी इन एप्लीकेशन स्टेज, इट मस्ट बी डन इन अलॉटमेंट स्टेज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो वो सारा अमाउंट प्रीमियम मुझे क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट स्टेज में देना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर एप्लीकेशन में हमको देंगे, अलॉटमेंट भी दोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट जनरली क्या होता है, अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट होता है। अगर एप्लीकेशन स्टेज में प्रीमियम हो तो इधर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो, अगर एप्लीकेशन स्टेज में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हो तो ये लाइन मत लिखो, शेयर रिक्वेस्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख के छोड़ दो। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन आई गो फॉर अलॉटमेंट मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अलॉटमेंट मनी में वही काम कर रहा है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्यू करवाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एंट्री, फर्स्ट वन इज योर ड्यू एंट्री, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वही बात मैंने यहां लिखा, जो इधर लिखा था वही लिखा, क्योंकि देखो हमारा कोई गारंटी नहीं है कि मेरा जो प्रीमियम मनी किस स्टेज में मिलेगा। अगर प्रीमियम मनी स्टेज में नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा दो, ये प्रीमियम मनी एप्लीकेशन में नहीं था, इधर इसको हटा दो, जनरल एंट्री हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सोच लो अलॉटमेंट में मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल सा चीज करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो मैं जो ये एंट्री लिख रहा हूं, इसका मतलब अलॉटमेंट में भी मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है, एप्लीकेशन में भी मेरा शेयर अलॉटमेंट का प्राइस है, इधर कॉल मनी में भी मेरा शेयर एप्लीकेशन और मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसके हिसाब से मैं लिखते जा रहा हूं। क्लियर, समझ में आया? क्या होगा एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर, नेक्स्ट रिसीव करना है, अभी रिसीव करने में क्या एंट्री होगा, वही सिंपल सा चीज, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब ये जो पूरा अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में आया था, जितना डेबिट हुआ था, उसको क्रेडिट करवाओ, बात खत्म। क्लियर, फिर से बोल रहा हूं, अगर एप्लीकेशन स्टेज में मुझे बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट करवाओ, तभी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इधर अलॉटमेंट में बोला है तो इधर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सिक्योरिटी प्रीमियम, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंपल सा चीज बोल रहा है दस का शेयर वो बारह में इशू कर रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम, सो द अमाउंट टू इज ऑलवेज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है, तो उस प्रीमियम को हमको कहां एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। क्लियर, कॉल मनी, सिंपल सा चीज, पहले ड्यू एंट्री करवाओ, शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कॉल स्टेज में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इसको हटा दो, बात खत्म, शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बात खत्म। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है
तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट रिसीव एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, दैट्स ऑल। क्लियर। फटाफट इतना चीज नोट आउट करवाओ। ओके चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर पूरा एंट्री लिख के सॉल्व करवाते हैं, फिर आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा एकदम। क्लियर। चलो एबीसी लिमिटेड इशूड वन शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू 100। मैं वन शेयर के बारे में लिखता हूं, कोई भी कंपनी वन शेयर इशू नहीं करता है, 1 लाख करता है। तुम दिमाग में सोच लो 1 लाख है, सिंपल सा 100 को 1 लाख में मल्टीप्लाई करना है और कुछ मतलब नहीं है। एबीसी लिमिटेड इशूज वन शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 एट रुपीज 120। इसका मतलब देखो क्या बोल रहा है, 100 रुपया का शेयर है, 120 में इशू कर रहा है। इसका मतलब जो 20 रुपया है वो अलॉटमेंट है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट 50 एंड कॉल मनी 50 + 30 = 80, कॉल मनी इज योर 40। कुछ बोला नहीं है कि अगर यहां हमारा अलॉटमेंट 50 है तो ये जो 50 और बैलेंस कहां एडजस्ट होगा, कुछ नहीं बोला है। क्लियर। फटाफट लिखो क्वेश्चन। सॉरी okay? ओके तो ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि एप्लीकेशन स्टेज में 30 है, अलॉटमेंट स्टेज में 50 है, कॉल मनी स्टेज में 40 है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि प्रीमियम अमाउंट हमारा कहां एडजस्टमेंट होगा, तो इसका सिंपल सा मतलब निकल के आता है प्रीमियम अमाउंट हमारा अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट होगा। इसका मतलब जो हमारा 50 रुपीज है वो 50 रुपीज कहां से आया, 30 + 20, ये हो गया प्रीमियम अमाउंट, ये हो गया अलॉटमेंट अमाउंट। क्लियर। ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड इशूड्स वन शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 एंड प्राइस ऑफ रुपीज 120, एप्लीकेशन स्टेज रुपीज 30, अलॉटमेंट स्टेज रुपीज 50, कॉल मनी रुपीज 40। इसका सिंपल सा मतलब निकल के आता है वो क्वेश्चन इज फुल्ली साइलेंट अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट। तो सिंपल सा चीज, प्रीमियम अमाउंट मस्ट बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट स्टेज। ओके क्वेश्चन शुरू करवाओ। पहला स्टेज क्या था रे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोग से फिर ड्रॉ करना। पहला स्टेज हमेशा क्या होता है, बैंक और कैश अकाउंट। तो मैं बैंक अकाउंट लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है रे बैंक अकाउंट, पूरा टोटल है एप्लीकेशन स्टेज में 30, तो इतना किधर मिलेगा 30, ये 30। क्या लिखना पड़ेगा, नरेशन, एक में नरेशन लिख लेता हूं और बाकी में नहीं लिखूंगा। क्या लिखना पड़ेगा, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, सॉरी, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर वन शेयर्स एट द रेट रुपीज 30। मतलब एक शेयर का एप्लीकेशन मनी निकल रहा है, उसका प्राइस है रुपीज 30। लिख लो, फिर बात खत्म। फिर हम लोग क्या जाएंगे, दिस वन इज एंट्री नंबर 1। नेक्स्ट एंट्री 2 में मुझे क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा रे, 30। तुम यहां पे डाउट पूछोगे, सर
कि हमारा आप लोग तो बोले थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का एंट्री था, ये कहां गया? आप लोग क्या पूछोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था, कहां गया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में एप्लीकेशन स्टेज पे प्रीमियम के लिए कुछ भी नहीं ले रहे, तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम यहां लिखना जरूरी है? नहीं चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना। मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा अच्छे से समझो, सिक्योरिटी का प्रीमियम अमाउंट है वो अलॉटमेंट स्टेज में दिया है। तुम बोलोगे सर अलॉटमेंट स्टेज में, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला है। भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मुझे अलॉटमेंट स्टेज में लेना पड़ेगा, सिंपल सा चीज। अगर क्वेश्चन में बोलता कि दी प्रीमियम मनी शुड बी एडजस्टेड इन एप्लीकेशन स्टेज, तभी मुझे एप्लीकेशन में लेना पड़ता। क्वेश्चन में बोलता कि दी प्रीमियम अमाउंट मस्ट बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट स्टेज, मुझे अलॉटमेंट में लेना पड़ता। क्वेश्चन में बोलता कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो कॉल्ड मनी में एडजस्ट हुआ है, मुझे कॉल मनी में लेना पड़ता। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, तो मुझे अलॉटमेंट स्टेज में लेना पड़ेगा। इफ दी अलॉटमेंट स्टेज में प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है, इसीलिए मैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इधर नहीं ले रहा हूँ। क्लियर? समझ में आ गया? गुड। ओके, मैंने क्यों नहीं लिया समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, हमको क्या हो गया? एप्लीकेशन स्टेज खत्म हो गया, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट स्टेज करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज योर क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? कितना डालेंगे? शेयर अलॉटमेंट मनी में मुझे कितना मिल रहा है? यहां आप लोग पंगा करोगे, दिस वन इज रॉन्ग। इसीलिए देखो मैं जो यहां लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी ये ठीक है, सेकंड एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो जो अमाउंट है 50 रुपीज है। 50 रुपीज इज डिवाइडेड इंटू टू टर्म्स, वन इज अलॉटमेंट मनी, सेकंड वन इज प्रीमियम मनी। अलॉटमेंट मनी कितना है रे? टू शेयर अलॉटमेंट मनी के लिए मुझे शेयर कैपिटल अकाउंट को 30 जाएगा, प्रीमियम में 20 आएगा। इधर टोटल 50 डाल दो, इधर 30, इधर 20। फिर से बोल रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट स्टेज में मुझे 50 रुपीज रिसीव करवाना पड़ेगा। जो 50 रुपीज में रिसीव करवाऊ उसे दो स्टेज में कन्वर्ट करवाओ, वन इज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30, सेकंड वन इज टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे? रिसीव का एंट्री करवाओ, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा? पूरा 50, पूरा 50 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर यहां हम 50 नहीं डाल के 30 कुछ डाले? नहीं डालना चाहिए, बिकॉज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड रुपीज 50, सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड टू 50। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये फटाफट नोट करवाओ, फिर मैं इधर दो पॉइंट डिस्कशन करवाता हूं। ओके, तो और बाकी क्या करते हैं? कॉल मनी का एंट्री करते हैं, सिंपल सा चीज। पहले क्या होगा रे? पॉइंट नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल में कुछ नहीं है। क्लियर? तो मेरा कितना मिल रहा है? 40, दिस वन 40, दिस वन 40। अभी रिसीव करो, क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आएगा रे? इधर भी 40, इधर भी 40। दिस वन कंप्लीट्स योर फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं जहां तीनों स्टेज में एडजस्टमेंट मनी हो। क्लियर? फटाफट इसको नोट आउट करवा दो। देखो यही क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करता हूं।
30 प्लस 20 था ना, ये पहले से था, तो इसका मतलब यही होगा। अभी हम लोग एक एंट्री एक्स्ट्रा करवाते हैं देखो, और क्या करते हैं, वो जो फेस वैल्यू है सोच लो ये 120 नहीं होके, नहीं तो काम करो पूरा मिटाते फटाफट करते, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओगे आप लोग। ओके चलो, वही क्वेश्चन को मैं तीन स्टेज में कन्वर्ट करके करवाता हूं। सोच लो ये जो 120 है ये भी 120 ही है, रुपीज 120 में इशू हो रहा है। ये जो फेस वैल्यू है रुपीज 100 निकाल के उसको 80 कर दो, 80 में इशू हो रहा है। नेक्स्ट वन जो एप्लीकेशन स्टेज है 30, ये क्या आएगा 20 प्लस 10, ये आ जाएगा 30 प्लस 20, ये आ जाएगा कॉल मनी में कितना है रे 20 प्लस ये कर दो 30 था ना 25 प्लस 5, ये 30 प्लस 20 ये हो गया 80, 120 प्लस 10 ये हो जाएगा कॉल मनी 30 प्लस 10। ये सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है देखो कि मेरा जो शेयर प्राइस है एबीसी लिमिटेड इशूड से शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 80, जिसका फेस वैल्यू कितना है 80 रुपीज है, वो क्या कर रहा है 120 में इशू कर रहा है। फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 80 एंड इशूड ऑन 120 एंड इशूड ऑन रुपीज 120, इशू 120 में हो रहा है। क्या बोल रहा है एप्लीकेशन स्टेज में 30, क्या बोल रहा है 20 इज फॉर एप्लीकेशन 10 इज फॉर प्रीमियम, इन केस ऑफ अलॉटमेंट 30 इज फॉर अलॉटमेंट 20 इज फॉर प्रीमियम, इन केस ऑफ कॉल मनी 40 रुपीज इज कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग, वन इज 30 फॉर नॉर्मल 10 फॉर प्रीमियम। क्लियर, फटाफट इसका एंट्री करवाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ एवरी स्टेज देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अमाउंट। पहले आप लोग क्या करो क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आंसर शुरू करता हूं। ओके देखो आंसर शुरू करते हैं, क्या करना पड़ेगा पहले एप्लीकेशन स्टेज का एंट्री करवाओ। पहले क्या होगा रे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। बैंक अकाउंट में मैंने कितना रिसीव किया 30 रिसीव किया, ये हो गया 30, ये हो गया 30। क्लियर, सेकंड एंट्री, वो जो 30 रुपीज से 20 शेयर कैपिटल को जाएगा, 20 रुपीज प्रीमियम को जाएगा, तोड़ दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, मेरे साथ आप लोग भी करते जाओ, जहां डाउट हो रहा है उधर पूछो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। तुम बोलोगे सर आपने पिछले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा था, बिकॉज इनके सब प्रीवियस क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम कंपोनेंट इज नॉट देयर, इधर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम कंपोनेंट 10 है, इसीलिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिख रहा हूं। क्लियर, डाउट क्लियर हो रहा है? तो मेरा देखो शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, पूरा जाएगा 30, शेयर कैपिटल को कितना जाएगा 20, सिक्योरिटी प्रीमियम को कितना जाएगा 10। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 3, अलॉटमेंट स्टेज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तुम बोलोगे सर वो एंट्री एंट्री सेम था, बिकॉज वहां भी मेरा अमाउंट कंपोनेंट ऑफ प्रीमियम था, इधर भी मेरा कंपोनेंट प्रीमियम है। सिंपल लिख लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, पूरा 50 जाएगा, इधर 30, इधर 20। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, रिसीव का एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
ये हो गया 50, ये हो गया 50। देखो अगर ये क्वेश्चन बोलता ये हम वन शेयर नहीं होके 10,000 शेयर होता, दिस अमाउंट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू 10,000, दिस अमाउंट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू 10,000, एवरी अमाउंट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू 10,000। क्लियर, मैं एक शेयर के लिए लेके कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 50, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 50। नेक्स्ट वन हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर इज फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तुम बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, इधर क्यों आ गया? बिकॉज देर इज ऑल्सो एन कंपोनेंट ऑफ ₹10 ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर, तो ये कितने में आएगा रे, टोटल है 40, तो ये आ जाएगा 40, शेयर कैपिटल 30, ये आ जाएगा 10। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आएगा, ये आएगा 40, ये आएगा 40, दैट्स ऑल। इधर टोटल करोगे फिर, ये तो तुमको जॉनल मुझसे बहुत अच्छा आप लोग को पता है, इधर टोटल करोगे। क्लियर, ओके, तो ये पूरा दिस इज ऑल अबाउट इश्यू ऑफ सेल ऑन प्रीमियम अकाउंट। आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट के बारे में करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप एक दो क्वेश्चन अमाउंट में कुछ लेके प्रैक्टिस करवाओ, कुछ अगर डाउट हो रहा है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, नहीं तो मैं अनवर्ड क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस जब लोग हम प्रॉब्लम शुरुआत करेंगे तभी पूरे अमाउंट के बुक का 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट। ओके, थैंक यू।